नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार के म्यूजियम में लाइब्रेरी में बैठ ले सकेंगे पढ़ने का मजा। देसी गाय पालन के लिए अनुदान पाने को लेकर इस दिन से करें आवेदन। वाहन खरीदने में बिहार का यह जिला अव्वल। बिहार यूपी से होकर चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले। एशियन गेम्स 2023 के सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेगी टीम इंडिया। चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने 56 वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर निकाली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 56 खाली पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत एयरोनॉटिकल ऑफिसर, प्रिंसिपल सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 और साइंटिस्ट बी की भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी इच्छुक और योग्य हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एयरोनॉटिकल ऑफिसर के लिए उम्मीदवार के पास एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं प्रिंसिपल सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान या आईटी में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से गणित, भूगोल, भूभौतिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग, कंप्यूटर विज्ञान या आईटी में मास्टर डिग्री भी स्वीकार होगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और साइंटिस्ट बी के लिए संबंधित इंजीनियरिंग में विषय में बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से प्रासंगिक विज्ञान विषय में मास्टर डिग्री भी चलेगी। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। वाहन खरीदने में बिहार का यह जिला अव्वल। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जारी किए गए आंकड़े से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि वर्ष 2019 से अब तक वाहनों की खरीद बिक्री में बिहार के टॉप 5 जिलों ने जगह बनाई है। उसे हटाकर बिहार का कोई और दूसरा जिला काबिज नहीं हो सका। बता दें कि जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने में वर्ष 2019 से जो टॉप 5 जिले रहे हैं उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया व मोतिहारी हैं। वहीं ट्रांजैक्शन में टॉप 5 जिला पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सिवान व गया है। रेवेन्यू में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया व दरभंगा शामिल है। वहीं वाहन के परमिट में टॉप 5 जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा व गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजेश कुमार के बारे में। राजेश कुमार एक भारतीय अभिनेता हैं। उन्हें कुसुम, कृष्णा अर्जुन, खिचड़ी और सरारत जैसे टेलीविजन शो में छोटी भूमिका में देखा गया था। राजेश को पहली बड़ी सफलता सहारा वन के सबसे लोकप्रिय टीवी शो सारा भाई वर्सेज सारा भाई में मिली। उन्हें सतीश शाह, रत्ना पाठक शाह, रूपाली गांगुली और सुमित राघवन जैसे अभिनेताओं के साथ रोसेस सारा भाई के किरदार में देखा गया था। बाद में उन्हें कई कॉमेडी प्रधान टीवी शो जैसे भूतवाला सीरियल, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, इलाहाबाद वाले, चिंटू चिंकी और एक बड़ी सी लव स्टोरी, एक्सक्यूज मी मैडम आदि में देखा गया। वह एक अभिनेता के साथ साथ निर्माता भी हैं। राजेश ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में सोनी टीवी के टेलीविजन शो एक महल हो सपनों का से की थी। वह मूल रूप से बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। उन्हें 2005 में सारा भाई बनाम सारा भाई के लिए कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2012 में चिंटू चिंकी और एक बड़ी सी लव स्टोरी के लिए कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जूरी पुरस्कार जीता। राजेश कुमार को खेती करना बहुत पसंद है और वह सिवांग नेचुरल नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। वह लोगों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हैं। अब बिहार के म्यूजियम में लाइब्रेरी में बैठ ले सकेंगे पढ़ने का मजा। अगर आपकी भी रुचि किताबें पढ़ने में है तो आप बहुत जल्दी प्रदेश के संग्रहालय में घूमने के साथ किताबें पढ़ने का भी मजा ले सकेंगे। दरअसल कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से यह योजना बनाई गई है कि प्रदेश के संग्रहालयों में पुस्तकालय बनाए जाएंगे और इसके साथ ही अन्य संग्रहालयों को और भी समृद्ध बनाया जाएगा। हालांकि अभी इस कार्य को करने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बार पुस्तकालय तैयार होने के बाद प्रदेश को विरासत, शोध, संस्कृति, सभ्यता, आधुनिक व समकालीन कला के साथ पुरातत्व व शिल्प कलाओं से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार संग्रहालय में बनने वाले पुस्तकालय में एक साथ 50 लोगों के बैठने की जगह होगी और साथ ही पुस्तकालय में 200 से अधिक किताबें होंगे। इन सब के अलावा सबसे खास बात यह है कि एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालयों में पुस्तकों का आदान प्रदान किया जाएगा। अब बिहार के मछलियों का स्वाद चखेगा पूरा देश।
बहुत जल्दी बिहार के किशनगंज की महानंदा नदी से पकड़ी गई मछलियों का स्वाद पूरा देशवासी चखने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश भर में चलाए जा रहे रिवर रैंचिंग कार्यक्रम में बिहार से एकमात्र किशनगंज जिले का चयन किया गया है। बता दें कि इससे न केवल यहाँ के मछुआरों का देश स्तर पर पहचान बनेगा बल्कि यहाँ के मछुआरे आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे। मछलियों का उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ ही नदी के जल की गुणवत्ता में भी सुधार आएगी और नदियों के बायोडायवर्सिटी भी बरकरार रहेगी। मालूम हो कि इसको लेकर मुजफ्फरपुर के मुतलुपुर स्थित बाबा हैचरी को फिंगर लिंक्स तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं फिंगर लिंक्स के तैयार होने के बाद इसे महानंदा नदी में छोड़ दिया जाएगा ताकि अच्छी मछलियों की प्रजाति नदी में तैयार हो सके। बता दें कि इस योजना की मदद से महानंदा नदी की पहचान वाली मछलियों की प्रजातियों का विकास किया जाएगा। शिक्षकों के लिए बिहार के इस जिले में लागू हुआ नया गाइडलाइन। इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई तरह के नियम बनाए जा रहे हैं, तो वहीं अब इन सब के बीच बेगूसराय के शिक्षा अधिकारी का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि कोई भी शिक्षक स्कूल में दाढ़ी बनाकर नहीं आएंगे। हालांकि बाद में आदेश को संशोधित करते हुए दाढ़ी शब्द को हटा दिया गया। बता दें इस लेटर में कुल 14 बिंदुओं का गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें विद्यालय के शौचालय की नियमित साफ सफाई, क्षतिग्रस्त शौचालय की मरम्मत, खेल के मैदान की नियमित साफ सफाई, खेल सामग्री का नियमित रूप गतिविधि में उपयोग करना, प्रयोगशाला की नियमित साफ सफाई और प्रैक्टिकल करवाना, विज्ञान चार्ट पेपर पर भौगोलिक मानचित्र सुलभ स्थान पर लगाना, शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था, क्लास में जाने से पहले मोबाइल प्रिंसिपल के कक्ष में रखना, पढ़ाई के दौरान कुर्सी का प्रयोग न करना, शिक्षक जींस एवं टी शर्ट पहनकर विद्यालय न आए, छात्र छात्राओं के बीच शिक्षण कार्य करने हेतु वर्ग रूटीन चार्ट अनिवार्य, वारिता अनुसार कार्य शिक्षकों की सूची फ्लेक्स बोर्ड पर लगाना, वर्गवार छात्रों का नामांकन एवं दैनिक उपस्थिति बोर्ड पर प्रतिदिन दर्ज करना और विद्यालय में महिला शिक्षक भड़काऊ कपड़े पहनकर न आए। ऐसे में अगर इन नियमों का पालन करते नहीं पाया जाता है तो शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा। पटना मेट्रो का स्टेशन लेने लगा आकार, बिछ रही पटरियां। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माण में काफी तेजी आ गई है। बता दें कि मेट्रो के कॉरिडोर 2 का निर्माणाधीन 2 मंजिला मोनूल हक स्टेडियम भूमिगत मेट्रो स्टेशन का काम एक कदम और आगे बढ़ गया है और अब पटरियां बिछाई जाने लगी है। मालूम हो कि स्टेशन के पास 2 टनल मशीन से खुदाई का काम किया जा रहा, वहीं पटना विश्वविद्यालय की ओर 100 मीटर की खुदाई की जा रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोनूल हक स्टेडियम की लंबाई 202 मीटर और चौड़ाई 21 मीटर है और स्टेशन जमीन के 18 मीटर नीचे होगी। वहीं इसके प्लेटफॉर्म की लंबाई 140 मीटर है। मालूम हो कि स्टेशन में 2 गेट का निर्माण भी किया जाएगा, वहीं 6 एस्केलेटर और 3 लिफ्ट भी लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में कॉरिडोर के 5 एलिवेटेड स्टेशन के काम को किया जा रहा है। देसी गाय पालन के लिए अनुदान पाने को लेकर इस दिन से करें आवेदन। अगर आप भी साहिवाल, गिर, थार, पारकर जैसे देशी नस्लों की गायों का पालन करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल राज्य में पहली बार देशी गाय पालन के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिए जा रहे हैं। ऐसे में इच्छुक किसान 1 अगस्त से इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत 2 और 4 गाय की यूनिट पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50%, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC और ST वर्ग के किसानों का लागत मूल्य का 75% अनुदान मिलेगा। वहीं 15 और 20 गाय की यूनिट पर सभी वर्ग के किसानों को 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना के तहत लगभग 5500 से अधिक गाय पशुपालकों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए 37.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस योजना का लाभ पाने वाले किसानों के पास 4 गाय पालन के लिए 5 कट्ठा जमीन का कागजात होना चाहिए, तो वहीं 15 और 20 गाय पालन के लिए 10 कट्ठा जमीन का कागजात होना चाहिए। वहीं 2 गाय पालन के लिए किसी तरह के जमीन के कागजात की जरूरत नहीं है। बिहारी न्यूज की एक अनोखी पहल, मात्र 99 रुपए में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, 21,391 पोस्ट के लिए स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल और बिहारी न्यूज ने जारी किया मॉडल पेपर। कुल 10 मॉडल पेपर सिपाही परीक्षा के प्रारूप पर आधारित है और इसके साथ डिटेल सॉल्यूशन भी उपलब्ध होंगे। सभी मॉडल पेपर्स एक्सपर्ट्स द्वारा लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। ये 10 मॉडल पेपर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे और आपको इसके साथ टॉपिक वाइज वीडियोज भी मिलेंगे। ये सब आपको स्टूडेंट साथी ऐप पर उपलब्ध होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल व्हाट्सएप 9470797410 पर कर सकते हैं और सभी मॉडल टेस्ट पेपर्स को व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे नालंदा संग्रहालय के बारे में। नालंदा संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालयों में से एक है और नालंदा महाविहार के स्थल पर पाए जाने वाले पुरावशेष हैं। वर्ष 1917 में स्थापित नालंदा संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालयों में से एक है। इसमें नालंदा महाविहार के उत्खनन स्थल से पाए जाने वाले पुरावशेष हैं, जो गुप्ता, मौखड़ी और पाला शासकों के संरक्षण में ईसाई युग की 5वीं-12वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए थे। बाद में नालंदा के पड़ोसी गाँव से एकत्र की गई कुछ वस्तुओं और राजगीर से कुछ भी इस संग्रहालय के खजाने में जोड़े गए। वहां डिस्प्ले पर करीब 350 कलाकृतियां रखी गई हैं। प्रदर्शन में पत्थर की छवियां और मूर्तियां, पीतल, प्लास्टर, टेराकोटा, शिलालेख, लोहे की वस्तुएं, हाथी दांत और अस्थि वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन आदि शामिल हैं। मुख्य हॉल पत्थर के मास्टर टुकड़े और दो विशाल मिट्टी के भंडारण जार प्रदर्शित करता है। 12 हाथ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर सामंत भद्र की लगभग 2 मीटर ऊंची छवि नाग राज के साथ सात नाग हुआ चंदवा धर्म चक्र मुद्रा में बैठे बुद्ध की एक विशाल छवि, एक तांत्रिक देव त्रिलोक के विजय त्रिमुखी शिव गौरी और भूमि स्पासा मुद्रा में बैठे बुद्ध इस हॉल में नमूने का उल्लेख करने लायक है। बिहार यूपी से होकर चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले। अगर आप भी कहीं ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि यूपी के भटनी स्टेशन यार्ड में निर्माण कार्यों को लेकर बिहार यूपी से होकर चलने वाली कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है, जिसमें गाड़ी संख्या 14005 सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल लिच्छवी एक्सप्रेस छपरा बलिया इंदारा के रास्ते चलेगी। गाड़ी संख्या 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस छपरा बलिया इंदारा के रास्ते से आएगी। गाड़ी संख्या 12554 नई दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट गोरखपुर कैंट कप्तानगंज सिवान के रास्ते चलेगी। 15707 कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस सिवान कप्तानगंज गोरखपुर कैंट के रास्ते। 02569 दरभंगा नई दिल्ली विशेष क्लोन एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर नरकटियागंज गोरखपुर कैंट के रास्ते। 02563 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल गाड़ी मुजफ्फरपुर नरकटियागंज गोरखपुर कैंट के रास्ते। 15048 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट कप्तानगंज सिवान के रास्ते। 14674 अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट कप्तानगंज सिवान के रास्ते होकर चलेगी। यहाँ बनेगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना जू पहुंचे, जहां उन्होंने असम स्टेट जू से लाए गए तेंदुआ, जिसका नाम उन्होंने ही बघीरा रखा था, उसका लोकार्पण एवं रिनोवेटेड जू कैंटीन को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया। वही इस दौरान उन्होंने पटना जू के बाघ शावक विक्रम की प्राणों की रक्षा करने वाली टीम को सम्मानित किया और इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि बहुत जल्द ही बिहार को उसका दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। उन्होंने कैमूर वन्य प्राणी को बिहार का द्वितीय टाइगर रिजर्व बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बिहार के सीमांचल प्रांत अररिया में विश्व स्तरीय जू बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैमूर में बनने वाला यह टाइगर रिजर्व 1500 स्क्वायर किलोमीटर में होगा। स्मार्ट सिटी भागलपुर को मिला स्ट्रीट फूड हब का दर्जा। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा साफ सफाई, कचरे का निस्तारण, कुकिंग और नॉन कुकिंग एरिया का निर्धारण, स्ट्रीट लाइट, आसपास सफाई का स्तर समेत अन्य मानक के आधार पर बिहार के स्मार्ट सिटी भागलपुर जिले को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सहयोग से स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ सॉफ्ट फूड स्ट्रीट्स नाम से एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 4 निगमों में भागलपुर को भी शामिल किया गया है, जहां स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि इसका मकसद है कि पर्यटकों को हाइजीनिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाए। बता दें कि भागलपुर को यह दर्जा मिलने से कारोबार में काफी इजाफा होगा और साथ ही रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी होगी। गया के कारीगरों ने मिशन चंद्रयान 3 के लुक में बनाया ताजिया। बिहार के गया के नक्सल प्रभावित मैगरा थाना क्षेत्र के रहने वाले कारीगरों के द्वारा दिन रात मेहनत करते हुए मिशन चंद्रयान 3 के लुक में ताजिया का निर्माण किया गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि ताजिया के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों की होड़ लगी रही। मालूम हो कि ताजिया का प्रदर्शन बीते दिन मुहर्रम त्योहार के 10वें दिन किया गया। वहीं कमेटी के सदस्यों का कहना है कि देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, यही वजह है कि ताजिया का कुल मिशन चंद्रयान 3 की तरह दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि ताजिया के निर्माण में 40 से 50 हजार की लागत आई है। इस पर डुमरिया अंचलाधिकारी कौशल इमाम का कहना है कि पिछले साल यहां इंडिया गेट बनाया गया था, इस बार चंद्रयान 3 बनाया गया है। हर बार कुछ न कुछ नया बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ताजिया बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। आईटीआर भरने में इन बातों का रखे ध्यान, नहीं तो हो सकती है गड़बड़ी।
अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके पास 31 जुलाई तक का अंतिम समय बचा है, क्योंकि अगर 31 जुलाई के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ITR फाइल करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। मालूम हो कि इनकम टैक्स रिटर्न करने के दौरान लोग अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस कारण बाद में उन्हें IT नोटिस का सामना करना पड़ता है। इसलिए ITR दाखिल करने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने सभी कैपिटल गेंस की जानकारी जरूर साझा करें। अगर आपकी विदेश से कमाई हुई या प्रॉपर्टी है तो उसे भी डिक्लेयर करें। इसके साथ ही FD स्कीम से होने वाली कमाई को भी ITR में शामिल करें, ताकि जब आपसे ब्यौरा मांगा जाए तो आप उसे पेश कर सके। भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार के शिवहर के नगर परिषद क्षेत्र के सुंदरपुर खरौना का है, जहां नगर थाना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 1,618 बोतल शराब के बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई। हालांकि इस दौरान शराब माफिया सुरीन कुमार भागने में सफल रहा। किशनगंज, अररिया, सुपौल, जमुई, भभुआ और रोहतास में बारिश के आसार। पूरे देश में मॉनसून के कारण बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में लोगों को तेज गर्मी और उमस के काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, साथ ही साथ मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना है। विभाग की माने तो 30 और 31 जुलाई को उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसी के तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 2 अगस्त तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन दिनों उत्तर बिहार के जिलों के आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। उत्तर बिहार में बारिश की सक्रियता में बढ़ोतरी की बात कही जा रही। प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। साथ ही किशनगंज, अररिया, सुपौल, जमुई, भभुआ और रोहतास जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं 31 जुलाई को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। NIT पटना में इस दिन से शुरू होगी प्लेसमेंट की प्रक्रिया। सत्र 2023-24 के प्री प्लेसमेंट के लिए NIT पटना की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि NIT पटना में प्री प्लेसमेंट की शुरुआत अगस्त में होने वाली है। ऐसे में NIT पटना का लक्ष्य है कि लगातार 5वीं बार भी वह प्लेसमेंट के 100% के आंकड़े को पाले। मालूम हो कि संस्थान की ओर से सालाना 6 लाख रुपए से कम पैकेज देने वाली कंपनियों को कैंपस में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2022-23 में अब तक NIT पटना में 200 से अधिक कंपनियां प्लेसमेंट के लिए अप्रोच कर चुकी हैं। वहीं मुख्य रूप से कंपनियां प्लेसमेंट के लिए सितंबर में आएंगी। ऐसे में कंपनियों की ओर से अभी से ही प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। NIT पटना में छात्रों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर, प्रोडक्ट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर समेत कई प्रकार के जॉब ऑफर किए जाते हैं। पटना के नेताओं पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जहां पदयात्रा कर रहा हूं, वहां से पटना तक छटपटाहट और बेचैनी शुरू हो गई है। पटना तक लोग बाप बाप करने लगा है। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये पटना के नेता भी समझ रहे हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। विकल्प के अभाव में ये नेता 32 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक बार जनता जाग गई, विकल्प बना लिया तो कहानी इन नेताओं की खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार संकल्प करके निकले हैं, जब तक पूरे बिहार में यात्रा ना हो जाए तब तक घर लौटने वाले नहीं है। धरना नहीं दे रहे, पार्टी नहीं बनाए हैं, रैली नहीं कर रहे, अभी तो कुछ गांव में 100 से 200 आदमी के साथ ही चल रहे। भाजपा को प्रशांत किशोर ने हराया था, पटना के नेता तो भाजपा से लड़ रहे हैं, हमने लड़कर हराया है। बिहार की जनता को चुनना है कि उन्हें लड़ने वालों के साथ रहना है कि लड़कर जीतने वालों के साथ रहना है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बिग बॉस को लेकर हुए वायरल। इन दिनों बिग बॉस OTT 2 लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा, लेकिन अब भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के द्वारा इस शो की पोल खोल दी गई है। दरअसल खेसारी लाल यादव भी बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं घर से बाहर आने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि शो का फॉर्मेट उन्हें सूट नहीं करता, 24 घंटे का होता है और दिखाया केवल 50 मिनट जाता है, घर में इंसान शैतान बन जाते हैं। बता दें कि उनका यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे यूट्यूबर ध्रुव राठी के द्वारा शेयर किया गया है। बता दें कि इस वीडियो के कारण खेसारी लाल यादव इन दिनों बिग बॉस को लेकर काफी चर्चा में आ गए हैं। सीएम नीतीश के NDA में लौटने को लेकर रामदास अठावले का बड़ा दावा।
बीते दिन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे हैं और हमारे पास अभी भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनकी गैरमौजूदगी को महसूस करते हैं। उन्हें विपक्ष की मुंबई बैठक से दूर रहना चाहिए। जब वह अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे तब से हम साथ हैं। हम अब भी उनका सम्मान करते हैं। अगर उन्हें आरजेडी में जाना ही था तो एनडीए में वापस क्यों आए? बिहार के लोग हमारे लोग हैं। नीतीश हम सभी के मित्र हैं। हमने उन्हें सीएम बनाया जबकि उनकी पार्टी के पास विधानसभा में केवल 44 सीटें थी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार से मिलेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि वे इस बार उनसे नहीं मिल सकते। विजय चौधरी ने की रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी करने की मांग। एक बार फिर से बिहार और देश में आर्थिक आधारित जनगणना कराने की मांग शुरू कर दी गई है। दरअसल बिहार सरकार के संसदीय सह वित्त वाणिज्य कर मंत्री विजय चौधरी के द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर नरेंद्र मोदी द्वारा गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जातीय गणना पर जोर देने का इशारा कर रही है। उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10 ओबीसी जातियां करीब 25% आरक्षण का लाभ लेती है, लेकिन जब आंकड़ा निकालिएगा तो पता चलेगा कि 25% ओबीसी जातियां 97% पिछड़ों के हक पर काबिज है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो जानकारी मिल रही है उससे यह बात साफ होता है कि बिहार में भी जातीय गणना कराई जानी चाहिए। एशियन गेम्स 2023 के सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेगी टीम इंडिया। एशियन गेम्स 2023 के लिए क्रिकेट शेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसके तहत यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस खेल में बीसीसीआई पुरुष और महिला दोनों टीमों को भेजने वाला है। मालूम हो कि भारत की दोनों ही टीमें सीधे एशियन गेम्स 2023 के क्वार्टर फाइनल में खेलेगी जो कि 5 अक्टूबर को होने वाली है, जिनमें से पुरुष भारतीय की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी जाएगी तो वहीं महिला भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी जाएगी। लेकिन बांग्लादेशी में अंपायर के साथ बदतमीजी करने के कारण आईसीसी के द्वारा उन पर 2 मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की जगह स्मृति मंधाना टीम की कमान संभाल सकती हैं। हालांकि अगर भारतीय महिला टीम फाइनल में जगह बना लेती है तो महिला टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की दोनों टीमों ने T20 रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में अगर भारतीय पुरुष टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहते हैं तो उसे लगातार 3 दिन क्रिकेट खेलने होंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत में पावर ग्रिड की बड़ी खराबी के कारण 2012 में 30 करोड़ लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में 2012 को एक रेलगाड़ी में आग लग जाने से 32 लोगों की मौत और 27 घायल हुए थे। भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण सम्मानित मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म 1886 को हुआ था। 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद्र पांडे का जन्म 1923 को हुआ था। वायरल में आज हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोई टेलीग्राम चैनल अधिकारी पीआईबी फैक्ट चेक टेलीग्राम चैनल का प्रतिरूपण कर रहे हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये टेलीग्राम चैनल फर्जी है। सटीक अपडेट और तथ्य जांच के लिए हमारे अधिकारी टेलीग्राम चैनल http://t.me/piibfactcheck पर जाएं। व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से आए कॉल तो तुरंत करें ये काम। व्हाट्सएप पर अभी भी कई लोगों को विदेशी नंबर से कॉल्स आ रहे हैं। अगर आप लापरवाही दिखाते हुए इन कॉल्स या मैसेज का रिप्लाई करते हैं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। बता दें कि ज्यादातर व्हाट्सएप यूजर्स को मलेशिया, केन्या, वियतनाम और इथियोपिया जैसे देशों से कॉल्स आ रहे हैं। ऐसे में व्हाट्सएप ने लोगों से अपील की है कि उन्हें यदि विदेशी नंबरों से कॉल आते हैं तो इसे तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करें ताकि कंपनी ऐसे नंबरों को प्लेटफॉर्म से हटा सके। इसके अलावा आप ऐप में अननोन नंबर के लिए एक और सेटिंग ऑन कर सकते हैं। सेटिंग को ऑन करते ही अननोन नंबर से आ रही कॉल्स अपने आप साइलेंट हो जाएगी और आपको फालतू कॉल्स को अटेंड नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह एआई के जरिए ऐसे नंबरों को चिन्हित करने पर काम कर रही है जिससे लोगों को कॉल्स आ रहे हैं ताकि उन्हें ब्लॉक किया जा सके। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भाई खला रेलवे स्टेशन को किसने एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत प्रदान किया? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी ब्रिक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनेस्को। अगला सवाल,
मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई, ऑप्शन डी 29 जुलाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 26 जुलाई है। अगला सवाल, किस अफ्रीका देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी लीबिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइजर। अगला सवाल, बिहार के किसान सिंचाई के मुख्य साधन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबवेल, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नहर। अगला सवाल, बिहार में आने वाला पहला विदेशी इनमें से कौन था? ऑप्शन ए इत सिंह, ऑप्शन बी फयान, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी ह्वेनसांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रवि कुमार राम, प्रिंस गुप्ता, ललन कुमार चंद्रवंशी, अनवर करीम खान, रामचंद्र सिंह, सदुल्लाह पलवी, हलीश्वर कुमार, नन्नू गोलू कुमार, सतीश पांडे, बाबूलाल मरांडी, नौसद अंसारी, राजीव कुमार, ज्योति कुमारी, उदय कुमार पासवान, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।